जी भाई लाइन हो गई सबकी, हैं? रेडी शुरू करें फिर? जी सर। आ जाओ भाई, चल भाई। स्किप दे दीजिए। लाइए। तो सर हैजल से शुरू करते सर। हाँ आप आ जाइए, बिल्कुल फील के साथ, हैं? एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के हजार वार से ज्यादा असरदार होते हैं। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम नहीं। बस हो बस, नेक्स्ट एक्शन। टोपा होगा बे, जब से देख रहे तब से चूरन गिरी फैला के रखे हो, रोड का तुम्हारा बाप का है। बस बस आप आ जाइए, हैजल के लिए आइए। एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के हजार वार से कहीं ज्यादा असर देते हैं। जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो दिल नहीं, जिस सीने में जज्बात नहीं वो इंसान नहीं। हमारा मकसद है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। Outstanding, mind blowing, जबरदस्त झटका, खूबसूरत, awesome, perfect, सुंदर, अति सुंदर सर, मैं तो कहता हूँ। कर ले, तू ही कर ले फिल्म, हैं? Sorry sir. Oh best है जी best, क्या बात है वे कुड़ी, यही चाहिए था, वे मिल गया साड़ी हैजल मिल गई वे। हमारा हो गया? Oh बिल्कुल final है जी, आ जाओ, नहा लिख, अब आ रहा मजा, चलो भाई, next। आप आ जाइए कैरी के लिए। बिल्कुल ऐसी फील में करना है, ठीक है जी, एक्शन। अबे टोपा होगा बे, और ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो जुर्म करते फिर रहे हो? बता रहे निकल लो अभी के अभी यहाँ से, समझे ना? और दिमाग का ज्यादा हैंटेन किया ना, जो मार मारेंगे ना एक ही बात बोलोगे, दरोगा देखा तो बहुत लेकिन तुमसा नहीं, समझे? और सिलेक्ट सिलेक्ट, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था, और मिल गई साड़ी कैरी। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए ये साबित करना नामुमकिन हो जाएगा कि शंभू ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। एक मिनट सर, क्यों आया? हमें तो मौका ही नहीं मिला। हो गया जी इलेक्शन, सिलेक्शन। और मैं भी तो वही बोलिया, और मिल गई जी हैजल द कैरी, खेल खत्म तो पैसा हजम। चलो जी ऑडिशन खत्म हो गया जी, और वैसे भी आपने तो ये रोल करना ही नहीं था जी, तो लो सुन ली ऊपर वाले ने आपकी, नहीं हुआ आपका इलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, देखो जी आप लोग तैयारी करो, मैं अगली फिल्म में काम करने जा रहा हूँ। अगली फिल्म में हॉरर बना रहा हूँ जी, हैं? और उधर ना है टाइम द बदला। तो डायन से याद है तेरी भाभी तो फोन है? सर नहीं है सर। ये तो बल्ले बल्ले हो गया, चलो जी फिर। अबे टोपा हो कभी, कब से देख रहे क्या चूरनगुरी मचा के रखे हो? डायरेक्टर हो तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का मौका मिल गया है तुमको? नाम रख लिया स्पीलबर्ग तो खुद को स्पीलबर्ग समझ रहे हो? कब से देख रहे हैं डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा? देखो मेहमान हो हमारे शहर में इसलिए कछु बोल नहीं रहे हैं, वरना वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे बहुत पर तुमसा ना देखा। रिकॉर्ड किया है? किया सर। बेस्ट अरे हसीना जी आप? आप? अब जय हिंद सर। जय हिंद। आप काफी अलग लग रही हैं। मेरा मतलब है अच्छी लग रही हैं।
थैंक यू। दरअसल हम एक हम समझ सकते हैं आप जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम ठीक है, हम ठीक है, थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने निजी जीवन में मूव ऑन कर रही हैं, सब कुछ भुलाकर एक नए जीवन का प्रारंभ करने का सोच रही हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा? आपका ये काया पलट देखकर, इस रूप में आपको देखकर हमें यही ज्ञात हुआ है कि आप किसी के साथ डेट पे गए थे या जा रही हैं। अच्छा है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं हसीना जी। I'm glad कि आप खुश हैं सर, लेकिन हम किसी डेट पर नहीं गए थे। ये सब हमने एक केस के सिलसिले में पहना है, ये सब सिर्फ एक नाटक है। फिलहाल हम ड्यूटी पर हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हम ड्यूटी और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। अद्भुत अद्भुत, एक आप हैं जो अपने कर्तव्य और निजी जीवन को हमेशा अलग रखती हैं, और एक हम हैं जिन्होंने अपने फर्ज को भी अपना निजी जीवन बना दिया है। ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता है सर? एनीवेज, आप यहाँ कैसे? थाने जा रहे थे रूटीन विजिट पर, गोलगप्पा देखा तो रुक गए। अच्छा अच्छा, आइए फिर। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, थाना प्रमुख आप हैं, आपसे मिल लिए तो समझिए कि रूटीन विजिट हो गई। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं सर, पास ही में है, हम चले जाएंगे। जय जय। हसीना जी एक मिनट। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। हसीना जी, हम आपको गोद में नहीं उठा रहे हैं, घबराइए मत। थैंक यू। ठीक है, लेकिन हमसे ये बकलोली नहीं होगा पुष्पा जी, ये आपको लगता है हम ये कर सकते हैं? इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है। हम बताते हैं आपको अभिनय कैसे करते हैं। हाँ? यार पुष्पा जी रहने दीजिए। देखिए तो सही। हेलो थान जी, हम हेजल बोल रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चिंटू चाट के यहाँ पे दही पापड़ी खाने आएंगे? बहुत ही स्वादिष्ट बनती है वहाँ की दही पापड़ी। चलेंगे ना? बस देखिए कितना आसान है। पहली सास इस दुनिया में हमने देखी होगी जो अपनी बहू को ये करने को कह रही है। मगर आप ऐसी पहली पुलिस वाली नहीं है जो ये सब करेंगे। और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बिल्लू के लिए ना, उसे न्याय दिलवाना। हाँ हाँ, करेंगे। आप कॉल लगाइए। स्पीकर पे डालते हैं। कौन है भाई? हेलो शंभू सर, हम हेजल बोल रहे हैं, आपसे मिलना था। आप मिलेंगे अकेले में? बिल्कुल नहीं है ओए। तो मैनू सब पता है, तू मैनू फसान वास्ते फोन किता है। हैं? वो साइको तेरे नाल है ना ओए? तेरे पास खड़ी स्पीकर विच साड़ी बातें सुन रही है।
कौन साइको? और मेरी वाइफ और कौन? और उससे बोल ये हथकंडे बहुत पुराने हो गए। सत्यानाश हो इसका। अब इससे नजदीकियां नहीं बढ़ेंगी तो कैसे मिलेगा कन्फेशन?